हेलो, मेरा नाम है पापिया। तो मैं आज आपको जो रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं। वो प्रॉन का एक रेसिपी दिखाने जा रही हूँ मैं। एक तो ये नया रेसिपी है, आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल डाल दिया, अभी इसमें थोड़ी सी देखिए बटर दे रही हूँ। तो मेरी जो YouTube में चैनल है पापियास किचन स्टोरीज, उसमें आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, अभी मैं तो इसमें बटर डाल दिया हूँ, तो बटर को थोड़ा सा गलने दीजिए। अभी इसमें मैं प्याज दे रही हूँ। प्याज को थोड़ा फ्राई कर लूंगी। अभी देखिए, प्रॉन को मैंने साफा कर लिया। देखिए, ऐसा करके अंदर से ऐसा वो जो काला जो ब्लैक कलर का जो नाक होता है उसको निकाल दीजिएगा अच्छी तरह से। ऐसे निकाल दिया मैंने। तो आइए देखते हैं, अभी प्याज जो है थोड़ी सी ब्राउन कलर हो चुका है। अभी इसमें मैं प्रॉन डाल रही हूँ। प्रॉन को दे दिया मैंने। अभी प्रॉन के साथ थोड़ी सी अदरक लहसुन का थोड़ी सी पेस्ट भी डाल रही हूँ। ये बाजार से खरीदा हुआ है, आप लोग घर में टेस्ट करके भी ले सकते हैं। देखिए, पेस्ट मैंने डाल दिया। अभी इसमें थोड़ी सी नमक डाल दूंगी मैं। अभी एक चम्मच के जैसा नमक डाल दिया मैंने। अभी इसको और को थोड़ी सी ढक दूंगी। देखिए कितना सारा पानी निकल गया। पानी को सूखने दीजिए और मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। आपके स्वाद अनुसार दीजिए, जितना तीखा खाएंगे उतना ही दीजिए आप लोग। तो पानी को थोड़ा सूखने दीजिए। फिर इसमें मैं अभी ये जो नींबू है, ये नींबू को इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी खट्टापन के लिए। नींबू ही डालिएगा क्योंकि नींबू देने से अच्छा लगता है। तो अभी मैं फिर से इसको ढक दूंगी। तो देखिए, मेरे प्रॉन जो है लगभग हो ही चुका है। तो इसमें मैं थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ। स्प्रिंग अनियन और थोड़ी सी धनिया पत्ता। डाल के थोड़ी सी ऐसे टॉस कर लीजिए। आपके पास फ्राई पैन हो तो आप लोग टॉस कर लीजिएगा। अभी मैं इसको उतार के दिखा रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, प्रॉन हो चुका है। मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ। देखिए इसका कलर कितना सुंदर हो गया। जैसा सुंदर कलर है खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए, आप लोग बनाइए, खाइए। और मेरे यूट्यूब चैनल में जो पापियास किचन स्टोरीज है उसमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कैसे बनाए हैं, आप लोग जरूर बनाइए। Thank you.